इतने देर में तो पानी में कोई भी आदमी मर जाएगा। मेरा 1600 रुपया, इसके ऊपर कोई बोली लगाएगा? मैं शर्त लगाता हूँ वो जरूर जिंदा होगा। मेरे 2000 रुपए। खींचो उसे। था ये नहीं मरेगा, जिसकी बॉडी है बॉक्स ऑफिस। शिप में से सामान उतारा गया और जब मैं यहाँ आया तब तक सामान गायब हो गया। बीच समंदर में सामान कहाँ गायब हो गया? शार्क मछली, शर्त लगाते हैं, अगर हम इसे समंदर में छोड़ते हैं तो ये शार्क मछली पहले इसकी मुंडी खाएगी या बॉडी? बॉडी बहुत नरम होती है ना, देखना पहले वही खाएगी। अबे ओ घोंचू, अगर उस शार्क के पास दिमाग होगा ना तो वो सबसे पहले इसकी मुंडी खाएगी, देखना। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो। बोल रहा है, शायद कुछ बोल रहा है। हाँ बोल रहा है। बोल 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 बोल। अभी छोड़ेगा तो तेरी ही टांग तोड़ूंगा, और अगर देर कर दी तो इन कुत्तों की भी टांगे तोड़ूंगा। खून की खुशबू से शार्क का दिमाग खराब हो जाता है। हा हा, तो शार्क मछली ने उसके पूरे शरीर को चबा लिया होगा, पर ये रस्सी ऊपर नहीं आई है। Thank you.
बंधे पड़े हैं यार, जल्दी खोलना, तकलीफ हो रही है। भद्रा, पानी चाहिए क्या? थैंक्स चाचा जी, कैसे हैं? ठीक है ना? अरे मेरी बात छोड़ो, मैंने सुना तुम्हें किसी ने पकड़ा था। हाँ, शिवा ने छुड़वाया था। मामूली शिवाजी नहीं है ये, छत्रपति शिवाजी है। घाव गहरा तो नहीं है बेटा? अरे घाव की छोड़ो चाचा, शिवाजी को शार्क के मुंह में फेंक दिया था। अल्लाह, शार्क मछली वो टुकड़े टुकड़े करके खा जाती है, तुम लोग कैसे बचे? अरे वो ये चलट बे, मेरा आइटम है। वो मर्द मछली नहीं थी, औरत मछली थी। तो क्या कुछ नहीं करेगी क्या वो? अरे होना क्या था, उसकी साड़ी का पल्लू बार बार गिर रहा था, संभाल रही थी, गिर रहा था, संभाल रही थी, वो संभालते संभालते ही ढेर हो गई। शार की साड़ी फिसल गई क्या? हाँ, दिख नहीं रहा है क्या? संभाल ले, समुद्र के मछली बहुत डेंजर है। हलकट साला, चलेगा कूदेगा कहीं का, चल रे। अंजू, अभी तक स्कूल नहीं गई तू? मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी, न जाने कितने लोगों की नजर लगी होगी। रुको, मैं नजर उतारती हूँ। हाँ हाँ, मेरे जैसे बहादुर के लिए बहुत जरूरी है। बचकर आने वालों की नहीं बल्कि बचाकर लाने वालों की नजर उतारी जाती है। चलो हटो, अपने हाथ बांधो। ये था इसलिए हम बहादुर ही नहीं दिखाए, और क्या? सगे भाई को तो पूछ नहीं रही है, तुम्हें क्या पूछेगी? हाँ सही बोल रहा है यार तू। ये क्या भैया, ऐसे क्या कहते हो? तुम्हारी जगह भला कोई और ले सकता है क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब स्कूल की फीस भरनी है, रेडी रखना। ए चाचा, एक स्ट्रांग टी बनाओ। बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। शिवाजी को स्पेशल टी, बाकी सबको चालू चाय देना। इसका ऐसा प्रमोशन हो गया है कि इसके लिए स्पेशल टी, हमारे लिए पानी कम चाय बनेगी। चाचा, खाने पीने का इंतजाम हो सका क्या? कुछ भी नहीं बचा है बेटा, जो कुछ भी बचता है ये खाकर खत्म कर देता है। खाकर खत्म कर देता है, ऐसे कह रहे जैसे 10 आदमियों का खाना अकेले ही खा जाता हूँ। मैंने पूरी और दो डोसा माँ के लिए पार्सल बांध लिए, चार वड़ा और एक समोसा बचा है। कब से कुत्ते को बुला रहा था खाने के लिए, वो तो नाटक कर रहा है। तुम ही खा लो, मैं भी आता हूँ। इतनी जल्दी जा रहा है? टाइम बोले तो टाइम, सुबह 6 से 9 तक पांडू काट करके ड्यूटी, 9 से 12 तक तुम्हारी ड्यूटी, 12 से 3 तक गैप। माँ को भी देखना पड़ता है, 3 बजे से तुम्हारे पास आऊंगा, रात को फिर काट करके ड्यूटी। अबे तू गवर्नमेंट ऑफिसर है क्या? तुम जो पगार देते हो उसमें यही काफी है, समझे? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो नौकरी छोड़ दूंगा। अरे इसके जैसी हिम्मत हम में होती तो कब के सेटल हो गए होते। माँ माँ, बाहर क्यों आई हो? मैंने कितनी बार कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता, घर के अंदर रहा करो, पर तुम सुनती ही नहीं हो। मैं बाहर कहाँ आई बेटा, आंगन में ही तो हूँ ना। तुम्हें क्या पता कि ये घर है और वो सड़क, अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? बैठो। शिवा, माँ और भाई के बारे में कुछ पता चला बेटा? तेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी बेटा, हौसला रख बेटा, एक दिन वो जरूर मिलेंगे। पांडू, बिहार से भैया ने फोन किया। हाँ। इस साल इलेक्शन में रामराव कदम की बजाय पार्टी का टिकट मुझे देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। 2-3 महीने के लिए हमारा इलीगल काम बाहर नहीं आना चाहिए पांडू, कुछ दिन इन धंधों से मेरा ताल्लुक नहीं, समझा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, फिर दरवाजा बंद कर दो, देखने वालों को बाहरी ऑफिस दिखना चाहिए। नमस्ते भाई। इन लोगों को हर छोटी बात के लिए मत बुलाना, ठीक है भाई? अपने बच्चे हैं, सबको मालूम हो जाएगा। साहब चला गया, चला। ए तू दबा, अरे पैसे देकर उन सबको भगा दे। ठीक है भाई। क्या रे, सुना है शार्क मछली से लड़ा है तू? कुछ बोल क्यों नहीं रहा रे? सामान वहां छोड़ देता तो इधर मारा जाता ना। ए,
उधर क्या देख रही है, चल दबा। 12 साल से यही मिल रहा है, मुझे कुछ और पैसे चाहिए। वो किस लिए? मेरी बहन बड़ी हो गई क्या? नहीं। अरे थक तेरी की। ठीक है, जब बड़ी हो जाए ना तो बता देना, मैं आऊंगा और जितना मांगेगा दे दूंगा। परसों मैंने देखा था उसे, कल ही गुलाब बनने जा रही है। ये क्या हो रहा है रे? चेहरा लाल हो रहा है, आंखों में गुस्सा उतर रहा है, तेरे मौत का टाइम आ गया क्या रे? ए शिवाजी, तू अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है हा? चल चल तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, कह रहा हूँ ना, जा यहाँ से, जा तू। अरे चश्मा करवाएगा हमारे बीच में, चले जा, चले पकड़ तू, चल जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से, और जाओ कह रहा हूँ ना। शिवा शिवाजी चल 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 तू चल, मैं बोल रहा हूँ ना, चल यहाँ से। पानी की मछली समझा क्या रे? काट कर को काट कर हूँ, कर कर मरोड़ कर हड्डी तोड़ देता हूँ। तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ पर उसकी आंखों में डर नहीं था, मेरी नजर में तो मत ऐसा ही होना चाहिए।